हाय किड्स। हाय सर। देखो 66 में कितना घटाएं कि 11 आए। 55। 98 is equal to dash plus 50। 50 में कितना जोड़े कि 98 आए। 48। 270 bulbs are manufactured in a factory on first day. It manufactured 123 bulbs second day. How many total bulbs are manufactured both the days? अब देखो, एक factory में पहले दिन तो 270 bulb बनाए उन्होंने और दूसरे दिन बनाए 123. तो दोनों दिनों में टोटल कितने बने होंगे? क्या करना है? क्या करना है? प्लस 270 में हमने जोड़ना है 123. अब देखो, जो अब देखो लेंथ ऑफ अ बनाना सेंटीमीटर में नपेगी कि मीटर में? बनाना सेंटीमीटर में. लेंथ ऑफ योर मदर, मम्मी की लंबाई? मीटर. मीटर. सुगर केन, गन्ने की? मीटर. लेंथ ऑफ ए वन ईयर किड, एक साल के बच्चे की? सेंटीमीटर. ठीक है, ये तो देखो ऐड करने हैं, ये दोनों तो क्या करने हैं? ऐड करने हैं. बताओ फटाफट, बताओ ऐड करके. 900. ऐड बताओ कितना आएगा? 6. 11. 9. 15. 7. 6. आगरा फोर्ट इज 2 kilometers अवे फ्रॉम ताज. ताजमहल से आगरा फोर्ट की दूरी कितने हैं? 2 kilometers. अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट हाउ मेनी मीटर्स अवे इज ताज फ्रॉम आगरा. तो आगरा फोर्ट से ताजमहल की लंबाई मीटर में बतानी है. 2000. क्यों सर? क्योंकि 1 kilometer की लंबाई, 1 kilometer में कितने होते हैं मीटर? 1000. तो 2 में कितने हो गए? 2000. हाय किड्स. हाय सर. ये वाला टेस्ट किया था आपने? अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है? 1 June 2019. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और 1 6 2019 ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. हम ऐसे भी लिखते हैं. यस सर. अब देखो 10 अगस्त 2018 को कैसे लिखेंगे? 10 8 2018. ठीक है. If we add 8 in a number, it gets twice. What is that number? वो बोल रहे हैं कि एक कोई संख्या है जिसमें हम 8 जोड़ देते हैं तो दुगनी हो जाती है. 8 plus 8 16. ठीक हो गया? अब देखो ये 12 घंटे की घड़ी है और ये 24 घंटे की घड़ी में आपको लिखना है. 12 घंटे की घड़ी में 2 बजे हैं, 24 घंटे की घड़ी में कितने बजेंगे? 14. कैसे किया सर? जोड़ के 12 plus 2 is equal to 14. 9 o'clock में 12 plus 9 21. अब यहाँ पर जो यूनिट है, यूनिट हम क्या लिखते हैं? आवर्स. ठीक है, आवर्स. द कॉस्ट ऑफ अ टिकट फॉर डबल डेकर बोट इज 30 rupees. ठीक है, वो बोल रहे डबल डेकर एक नाव है जिसमें एक बच्चे का जो किराया है वो कितना रुपए है? 30 रुपए. और उन सारे बच्चों ने मिलके उस नाव वाले को 450 rupees दिए हैं, 450. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कितने बच्चे उस नाव में ट्रेवल किए होंगे उस समय? क्या करना पड़ेगा इसमें? भाग देना है. 30 का भाग किस में? 450 में. कितने मार जाएगा? किस में देंगे पहले ये बताओ? सर पहले 40. 45 में. वेरी गुड. कितने मार जाएगा? 1 बार. 5 का 5. 4 में से 3 गया 1. अब क्या उतरेगा? 0. अब 30 का भाग कितने मार जाएगा इसमें? 30 का भाग 5 बार. तो कितने बच्चे ट्रैवल किए उसमें? 15 बच्चे ट्रैवल किए. मीनाज स्कूल ट्रिप हैज टू टेक प्लेस. मीना की स्कूल ट्रिप जानी है कहीं. ठीक है, और उसमें और एक बस में जा सकते हैं 50 बच्चे और उन्होंने ले जानी है ऐसी 4 बसेज. तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? प्लस गुणा. या तो 50 को 4 बार प्लस कर सकते हैं या 50 को 4 बार क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं. कितने हो गए? 200. तो ऐसे 200 बच्चे 4 बसों में क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं. क्लियर है? हाय किड्स. हाय सर. आज हमको ये वाला पेपर करना है. ठीक है, ये वाला किया है ना अपने पेपर पहले तो कर दिए. डिवाइड द बिलो रेक्टेंगल्स इन 6 पार्ट्स बाय डिफरेंट मैथड्स. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो ये 2 रेक्टेंगल बने हुए इनको 6 अलग अलग भागों में बांटना है अलग अलग तरीकों से. कैसे कैसे बन सकते हैं? ओके, देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया. yes, और एक हम ऐसे में भी कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गए 3 हिस्से, 3 हो गए. एक बीच यहाँ कर लो, 4 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. ये गलत हो गया, लेकिन अभी क्या करना है हमको? नाप के करना है इसको. ठीक है, स्केल से कर सकते हैं. स्केल से बिल्कुल क्या हो जाएंगे? एग्जैक्ट
हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करना है. फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर. अब वो बोल रहे हैं एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है. अब वो बोल रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है 5, कहाँ पर लिखें 5, ऊपर 5, नीचे 5, इधर 3, इधर 3, चारों को जोड़ दोगे कितना आएगा 16, क्या सेंटीमीटर. फाइंड आउट द एरिया ऑफ द अटैच्ड फिगर वेयर ईच बॉक्स इज 1 स्क्वायर यूनिट. अब देखो 12. यहाँ पर हाँ 12 है इसका, देखो कितना 1 1 1, सब 1 1 है ये, ठीक है. 12 यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, तो है वर्ग इकाई, वेरी गुड. स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, यूनिट का मतलब होता है अगर दिया हुआ है तो आप उसको लिखोगे सेंटीमीटर या मीटर या जो कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखते हैं यूनिट, या हिंदी में होती है इकाई, ठीक है. स्क्वायर का मतलब तो वर्ग होता है. 25 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ ए रुपी, एक रुपए का कौन सा हिस्सा है 25 पैसे, चौथा, तो 1/4 लिखेंगे. और 10 पैसे 1/10. आयुषी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 and 1/4 किलोमीटर फ्रॉम हर होम टू स्कूल, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हर होम टू स्कूल एंड कमिंग बैक. वो बोल रहे हैं आयुषी अपने घर से स्कूल जाती है 1/4 किलोमीटर, और फिर उतना ही वापस भी घर जाती है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए प्लस करना पड़ेगा इन दोनों को. 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया ये 2/2 क्लियर है. यस सर. ओके,